सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं आलू सीम की चटपटी अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी खाएं। और आज की मेरी ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आलू सीम के अचार के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आलू और सीम की अचार बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ सीम। इसको मैं ये साइड से दोनों तरफ से काट के और इसके सारे रेसे को मैं निकाल ली हूँ और इसको मैं बॉईल कर ली हूँ। और ध्यान रखें, सीम अगर ले तो बीज वाला ही ले, क्योंकि अचार में बीज वाला सीम अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं 7 आलू ली हूँ, इसको भी मैं बॉईल कर दी हूँ। फिर 2 चम्मच सरसों, जिसको कि मैं पीस ली हूँ, पीली सरसों है। और इसमें मैं 4 साबुत लाल मिर्च भी पीस ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर 6 से 7 कली लहसुन का, उसको मैं मिक्सी में पीस ली हूँ। और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं सरसों का तेल ली हूँ, क्योंकि अचार में सरसों का तेल ही यूज करें। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें आलू और सीम को काट के रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसके 2 भागों में काट देंगे। और आलू को भी हम 2 भागों में काट देंगे, दोनों को काट के हम इसमें रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम आलू और सीम को काट लिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम सरसों और मिर्ची का जो डस्ट हम बनाए हैं पाउडर, उसको हम 2 चम्मच ऐड करेंगे उसको। ये देखिए, बड़े चम्मच से 2 चम्मच हम ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 1 चम्मच हम आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन इसमें ऑप्शनल है, आप दे भी सकती हैं और नहीं भी। उसका 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद 1 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। उसके बाद 4 से 5 बड़े चम्मच से हम इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अचार में तेल ज़्यादा डालना रहता है। हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, सारे मसाले को अच्छे से ऐड करना है इसमें। इसमें मैं सब कच्चे मसालों का यूज की हूँ और तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज करें। ये देखिए, इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसमें तो और बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, पर मैं एकदम सिंपल बनाई हूँ बहुत कम मसालों का यूज करके। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डालें और बनाएं। और आप इसे जब बनाएं तब तुरंत नहीं खाएं, इसको कम से कम 6 घंटे बाद खाएं। और 1/2 घंटा इसमें धूप लगा दें, क्योंकि इसमें सारे मसाले कच्चे हैं। तो आप 1/2 घंटा इसमें धूप लगा दें और उसके बाद 1 हफ्ते तक आप स्टोर करके रखें और खाएं। और अगर गर्मी के मौसम में आप बनाती हैं तो इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें, और ठंडे के मौसम में तो वैसे ही रखें। ये देखिए, आलू सीम की अचार बन के रेडी है। आप इसे पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।